मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कल हुई असमय बारिश के साथ ओलावृष्टि को लेकर क्षेत्र के किसानों की चिंताएं बढ़ गई है, जिसको लेकर प्रदेश के वित्त मंत्री क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा ने जिला प्रशासन को तत्काल क्षेत्र में किसानों की फसलों की स्थितियों से अवगत करवाया और कमिश्नर एवं कलेक्टर को फील्ड में तत्काल सर्वे एवं ग्राउंड लेवल मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मंदसौर जिले में हुई असमय वर्षा एवं ओलावृष्टि को लेकर मुख्यमंत्री राशि चौहान से चर्चा की। मंत्री देवड़ा ने जिले भर में हुई बारिश, ओले गिरने सहित मौसम की मार से उपजी परिस्थितियों से मुख्यमंत्री चौहान को अवगत करवाया है। अफीम, चना, गेहूं सहित अन्य फसलों पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देते हुए किसानों के सामने खड़े हुए संकट पर चर्चा की। मंत्री देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री चौहान ने चर्चा में आश्वस्त किया है कि मध्यप्रदेश की सरकार संकट की इस घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। आज प्रदेश के वित्त मंत्री क्षेत्रीय विधायक जगदीश देवड़ा क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ अल सुबह मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम बही, पार्श्वनाथ, खोकरा, नेनोरा सहित अनेक गांवों में पहुंचकर किसानों से चर्चा कर खेतों में पहुंचे और नुकसानी फसलों का जायजा लेकर किसानों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान जिला महामंत्री राजेश दीक्षित, मलारगढ़ जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैया लाल पाड़ीदार, मलारगढ़ मंडल अध्यक्ष जितेंद्र जाट, भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष देवीलाल गुर्जर, प्रकाश पाड़ीदार, घनश्याम शर्मा, सरपंच प्रतिनिधि शिवपाल सिंह शक्तावत, पूर्व सरपंच गोपाल पाड़ीदार, रामकिशन पाड़ीदार सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। में भी और पूरे मध्य प्रदेश में बहुत स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर मौसम की मार पड़ी है। प्राकृतिक प्रकोप जो आया है, यह वास्तव में बहुत ही कष्टदायी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किए कि मौके पर जाकर के उसका सर्वे करें और सर्वे बिल्कुल ठीक होना चाहिए और जिन जिन फसलों का नुकसान हुआ है उन फसलों के बारे में जितनी मदद सरकार के द्वारा हो सकती है मदद के लिए सरकार तत्पर है और हर संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और सरकार के मुखिया हर संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़े हैं। मुझे भी कल जैसे भोपाल में ये जानकारी मिली कि हमारे इस मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में मंदसौर जिले में ओलावृष्टि के कारण और अति वर्षा के कारण बहुत नुकसान हुआ है, तो मैं भी सवेरे जल्दी निकल करके अभी खेतों पर आपके सामने सब जगह हम सारी टीम के साथ में, हमारे संगठन की सारी टीम के साथ, प्रशासन के सारे अधिकारी साथ में हैं और हमने देखा है कि कहीं कहीं तो पूरा 100% पूरा नुकसान हो गया है। तो अभी सर्वे हो रहा है, जहां जितना नुकसान होगा सर्वे पूरा होना चाहिए, हमने ये निर्देश किए हैं प्रशासन को ताकि उसके अनुसार जो भी मदद सरकार करेगी वो पूरी मदद करेगी। क्षेत्र में कहेंगे किसान चिंतित हैं, अफीम की फसल जो सीपीसी पट्टे वगैरह जो अफीम की मुख्य फसल उसको लेकर काफी चिंतित हैं। मैंने अफीम की फसल भी देखी है और हमारे यहाँ के आदरणीय हमारे सांसद जी को भी इसकी जानकारी है। दिल्ली भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी से भी हम भी बात करेंगे, सांसद जी बात करेंगे और मध्य प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी मैं ये जानकारी दूंगा ताकि वो भी वहाँ पर दिल्ली बात करें और अफीम के मामले में भी जो राहत मिल सकती है वो राहत देने का काम सरकार करेगी। सर, अफीम के लिए आपको सांसद महोदय से आप स्पेशल आपको बोलना करें सर। आज ये जो बेमौसम बारिश हुई है और बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं उससे क्षेत्र के किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है, खास करके अफीम की फसल, गेहूँ, अलसी, लहसुन, इन फसलों में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे इस क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश शासन के वित्त मंत्री माननीय जगदीश जी देवड़ा जी साहब से बात हुई है, भाई साहब ने तुरंत कलेक्टर साहब को निर्देश किया है कि वो किसानों के साथ हर खेत में जाएं और सर्वे करें कहां कहां ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनका सर्वे करने के लिए प्रशासन की टीम निकल चुकी है और उनके साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने पदाधिकारी हैं वो भी किसानों के साथ और अधिकारियों के साथ हर खेत में जाके सर्वे कर रहे हैं। आज आप मुख्य पे आए हैं, किस तरह यहाँ खेतों में लहसुन की फसल पूरी एक जलमग्न हो गई है? ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जो बेमौसम बारिश हुई है ये हमारी उखड़ी हुई लहसुन थी जो पूरी पानी में तैर रही है और अब इसको बाकी जो उखाड़नी है उसमें भी कहीं ना कहीं अंकुरण होने की समस्या हो जाएगी, तो नुकसान तो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हुआ है। अब जनप्रतिनिधि पार्टी है, किसानों को किस तरह से अपील करें, किस तरह से किसानों के साथ सरकार खड़ी उनसे बात? मैं किसान भाइयों से ये अपील करता हूँ कि ये जो बेमौसम जो बारिश हुई है, जो कुदरत का जो कहर हमारे ऊपर टूटा है,
इसमें सब संभल रखें और मध्य प्रदेश सरकार और हमारे क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री आप लोगों के साथ है। ये किसान हितैषी सरकार है, किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष हूँ और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों की हर दुख सुख में उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। मंदसौर से रवि पौरवाल की ये रिपोर्ट।